चिल्लाने की बात आती है वो इसकी दिलों को तो चंगो मैं करते ही खांदो नहीं पे बुड़ा का लंबा झुंगा पे बुड़ा को मैं चांदो नहीं पे बुड़ा का लंबा झुंगा पे बुड़ा को मैं चांदो नहीं। बाकी बोलने वाले तो बोलते हैं शुरू में कल सिंगर भी मिले थे मुझे ऐसे कि उन्होंने भी गाना भी बचा गाने तो हम तो फेमस हुए हैं तो क्या हो काफ़ी लोग देखे। और ये यहाँ रहती है नेहरू कॉलोनी में एक छोटे से कमरे में अपने दो रूम पार्टनर्स के साथ स्याली कोदू झंगूरू छल कपट जैसे फेमस गाने देने वाली उत्तराखंड की फेमस सिंगर अनिशा रांगण जी के साथ। अनिशा जी उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको नमस्कार। शुरुआत करते हैं अनिशा जी, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ से आप रहने, कहाँ की आप मूल रूप से रहने वाली हैं? रहने वाली हूँ और वर्तमान में हम ऋषिकेश में रहते हैं और शिक्षा दीक्षा मेरी ऋषिकेश से ही हुई है। कितनी बहनें हैं आप, क्या क्या कर रही हैं आपकी बहनें? बाकी हम पांच भाई बहन हैं और सबसे बड़ी बहन है, मेरे पीछे मेरी चार है, तीन बहन है और एक भाई है। पढ़ाई कर रहे हैं अभी सभी। अच्छा, पांच भाई बहन है, चार बहनें, सबसे बड़ी है जो प्रेरणा बन गई अपने परिवार के लिए एक संघर्षों से निकलते हुए। अच्छा, आप गांव में रहती थी, वहीं आप पली बड़ी है, तो गांव के घरेलू और बाहर के घास लाना ये सब काम भी रहते थे आपके? गांव में रही नहीं हूँ पर बचपन से हम दोनों मेरा अच्छे में हुआ है, तो जैसे कभी छुट्टियाँ वगैरह पड़ती थी तो गाँव जाते रहते थे। मंथली जैसे अभी जून में छुट्टियाँ पड़ती हैं गर्मियों के एक महीने की, तो मम्मी और छोटे से ही हमें गाँव भेज देते थे जाओ और दादा दादी के साथ रहकर मतलब सीखा है घर का काम बहुत कुछ। लोग तो मैं करती भी हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि अभी जो मैंने वीडियो भी डाली थी तो लोग खाली ये कमेंट करते हैं कि दिखाओ ये करते, पर ऐसा नहीं है। हम गाँव में रहे हैं, छुट्टियों में गए हैं, अभी भी जाते नहीं हैं, तो सारा काम आता करते भी। ऐसी बात नहीं कि सेलिब्रिटी बन गया तो गांव का काम नहीं करते हो, पहले भी करती थी और आज भी करते हो आप। अच्छा, तो हम पहले गाना सुन लेते हैं फिर इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कोदू झंगोरू से शुरुआत करते हैं। कोदू झंगोरू एक ऐसा गाना था जिसने मुझे क्या करना है थोड़ा बहुत पहचान दिलाई थी, उसमें भी नई लड़की आई है और हालांकि छल कपट एक ऐसा सॉन्ग निकला था मेरा जिसने मुझे कोदू उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पहचान उसने दिलाई थी। मेरे को कोदू झंगोरू आपको दो लाइन सुना दूँगा। यो को तुझा गोरू मैं कहते ही खांदो नहीं पे बुड़ा का लंबा झुंगा पे बुड़ा को मैं चांदो नहीं पे बुड़ा का लंबा झुंगा पे बुड़ा को मैं चांदो नहीं आवे जाए छोनी हाथ कहने भरे मायो में नकली लगे झुंगा दाढ़ी पे देख रहे हो मैं मेरा फकरा रे मैं कहते ही खांदो नहीं पे बुड़ा का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी क्रम जारी रहेगा। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा हो गई, आपका जो शिक्षा दीक्षा और ये सिंगिंग तक का सफर है वहाँ से इधर मुड़ना क्या कुछ कहानी रही इसके पीछे? कहानी खास कहानी नहीं है क्योंकि एक शौक होता है, वो शौक बचपन से रहा है। हम जैसे हमारे आस पास में प्रोग्राम वगैरह होते थे सिंगर्स आते थे तो यही इमेजिन करा था कि तब तो मैं आ सकती हूँ गा पाऊँगी कभी, तो यही रहा है। बाकी कहने में मम्मी है वो बहुत अच्छा गाती हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी मतलब मुझको ये चीज़ है। बाकी इतना सपोर्ट आया है घर का तो ये चीज़ें मेरे घर का सपोर्ट है, तभी मैं यहाँ अभी मौजूद हूँ।
मम्मी के सुर मिले हैं, मतलब कि मम्मी का सपना पूरा कर दिया मिशन है। हाँ लगभग, मम्मी तो गाय हिंदी गाना ज़्यादा गाती है, काफ़ी अच्छे गाती है। मम्मी का सपना तो ये रहा है कि मैं भी कभी बॉलीवुड में जाऊँ, पर वो पॉसिबल नहीं हुआ है घर की टेंशन से। बाकी सपोर्ट है घर का, कभी मैं हॉलीवुड से, ये नॉनी जो है उत्तराखंड की नॉनी, ये बॉलीवुड तक जा सकती है वैसे, क्योंकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। तो ये बताइए कि ये इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स कैसे बनते हैं? कोई डांस, बाकी पब्लिक का प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट है जो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया, और अभी तक सुनते हैं मेरे गीतों को, उनकी बदौलत है फैन फॉलोइंग पब्लिक है तभी हम। बिल्कुल सही बात है, जब पब्लिक है तो हमें तो बढ़ाइए, हमें आगे मिलजुल के साथ में सभी बढ़ेंगे, उत्तराखंडी कलाकार, उत्तराखंड के पत्रकार और सभी। अच्छा अभी फिर बढ़ते आगे, छल कपट जिस गाने ने आपको बहुत ज़्यादा नाम दिलाया था, हो सकता है कि वो इसके थ्रू हम लोगों को भी आगे नाम दिला दें, तो ये सुनाइए प्लीज़ आप। छल कपट मैंने किसी कुमार जी के साथ गाया है और उन्होंने लिखा है, मैं आपको सुनाऊंगी। आश्चर्य का मन सुविधा ये खोली ना दे, किक चाटे ना करी ज्यादा की कोला ना ले, आश्चर्य का मन सुविधा ये खोली ना दे, किक चाटे ना करी ज्यादा की कोला ना ले, ओ की कोला ना ले, गमारा भगते बैठा ले, सुविधा रत काली न जानी, चले का पट न जानी, छोड़ी। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। अच्छा ये मधुर सी प्यारी सी आवाज़ तो आपकी है, लेकिन इसके बीच में जो वो चिल्लाने की आवाज़ आती है वो किसकी थी? वो इफेक्टिव वॉइस बोल सकते हैं उसको, ढूंढ डाल के पैसे डाली है। वो आंचली की चिल्लाने वाली आवाज़ जो इफेक्ट है, नेचुरल आवाज़ नहीं। आंचलियों की कहानी हम सब बचपन से सुनते हैं, आपने भी इस तरह की कहानियाँ सुनी थी बचपन में? हाँ, जो पसंद आता है वो उसको हल्के ले जाती है, सब कुछ होता है। तो फिर आपकी तीजो बहनें और हैं छोटी, उनमें से कोई और भी चाहती है? मम्मी की पसंदीदा लाइन सिंगिंग थी आपकी है, लेकिन वो कहते दीदी हम भी यार सिंगर बनेंगे। नहीं कोई नहीं चाहता, अभी सब अपने पढ़ाई के लगे हैं, खास ऐसे वो मतलब इंटरेस्ट नहीं है, गाने वगैरह तो सुनते हैं पर ऐसा नहीं कि हमें स्कूल में जाना है, सब अपने 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 चॉइस। और आपकी कोई फेवरेट सिंगर, आपका मन करता हो कि मैं इनके साथ गाऊँ? मेल फीमेल दोनों फेवरेट। मेल में तो मेरे पुराने सिंगर सभी मेरे फेवरेट है, बाकी मैं मतलब जो गायिका है वो मेरी मीना दीदी सबसे ज़्यादा पसंदीदा गायिका है। मीना जी का और आपका आचरण में मुझे एक जैसा लगता है, वो भी शांत स्वभाव की, और आप भी है ना मिलता जुलता है। बाकी कई लोग तो आवाज़ भी मिला देते हैं कि आवाज़ भी एक जैसी है। आवाज़ तो ऐसा नाम है बड़ी छोटी महाराज में, और आपने कभी एक्टिंग की भी सोची है कि मैं एक्टिंग भी करूँगी? नहीं एक्टिंग का तो नहीं सोचा है, क्योंकि पहले तो जब आए थे स्कूल में तो कैमरे के सामने ही अजीब सा लगता है, लोगों को बोलना आसान होता है कि तुम ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, जब कैमरा फेस करना पड़ता है तो हकीकत पता चलती है, आर्टिस्ट वही है जो कैमरा को। कभी आपका सपना रहा था कि इस तरह से आप इतने यूथ के बीच फेमस हो जाएंगे? और आपने तो मुझे लगता है आप आते साथ ही फेमस हो गए थे, आप इस तरह के सिंगर हो। नहीं सोचा तो नहीं था, बट एक मैंने अभी बताया था शौक ही है सिंगिंग का, तो शौक है तौर से आए थे, और इतनी उम्मीद नहीं रही थी कि मतलब चलता इतना प्यार देगी, इतना पसंद करेगी, बाकी अभी चल रहा है। कितने गाने दे चुके हैं आप उत्तराखंड की इंडस्ट्री? अभी 4 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो 4 सालों में मैंने 500+ सॉन्ग गाए। रिकॉर्ड तोड़ है, और उनमें से लगभग कितने सॉन्ग्स जो है वो फेमस हो गए? 500 से जैसे लगभग 300 सॉन्ग ऐसे हैं जो मिले।
अच्छा आप एक लड़की है और इतनी छोटी एज में 22 साल की एज में इतनी ज्यादा अनिशा रांगण उत्तराखंड में प्रसिद्ध हो गई है, आते साथी अनिशा अनिशा टाइप और यूथ इतना फॉलो करते हैं, तो एज अ गर्ल अगर देखे लड़की देखे और ये यहाँ रहती है नेहरू कॉलोनी में छोटे से कमरे में अपने दो रूम पार्टनर्स के साथ, मतलब देख के हमें भी लगा कि यार सेलिब्रिटी बनने के बाद भी इनके अंदर ये चीज़ नहीं आई कि मैं सेलिब्रिटी और मुझे कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए, लोग मिलने आते हैं कुछ, तो आपको लड़की होने के नाते इस इंडस्ट्री में जब आपने शुरुआत करी तो आपको लगा कहीं पे कि हाँ यार मुश्किल तो है? मुश्किल तभी आई है जब जैसे कभी माँ घर से तो ये सपोर्ट है पर होता है माँ बाप की सोच की हमारा भी कभी सरकारी नौकरी करे, हालांकि पढ़ाई मेरी अभी भी कंटिन्यू पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं है, तो ज़्यादा मुश्किल आई नहीं क्योंकि घर का सपोर्ट रहा है, बाकी बोलने वाले तो बोलते हैं, शुरू में कई सिंगर भी मिले थे मुझे ऐसे कि पढ़ाई भी कर रहे हो और रूम देख के भी आपका कह सकते हैं कि इसे पढ़ाई के लायक ही इन्होंने रूम ले रखा है, कोई सेलिब्रिटी वाला रूम नहीं ले रखा है, तो आप अभी भी आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारी अनिशा जो है वो सरकारी ऑफिसर बने, सरकारी नौकरी पर लग जाए? चाहते हैं कि एक जॉब होनी चाहिए क्योंकि सिंगिंग का ऐसा है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आजकल एक से बढ़कर एक टैलेंट आ रहा है, सीखे भी लोग आ रहे हैं, मैं तो सीखा नहीं है, तो काफ़ी टैलेंटेड आ रहे हैं और एक किस्मत भी हो सकती है इसको कहाँ किसी को पहुँचा रहे हैं, मतलब अभी अनिशा का सफर जारी है और ये स्टूडेंट बन के पढ़ाई कर रही है कि पता नहीं कब कहाँ निकल जाए और अनिशा हमारे हाथों से ही निकल जाए, मेरी कोशिश जारी है, देखता है सरकारी नौकरी के तरह से रुझान है, पढ़ाई कंटिन्यू है, सिंगिंग भी सही है। अच्छा और उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है आप जानती है और पहाड़ की महिला कितनी संघर्ष करती है, लड़कियाँ कितना संघर्ष करती है, तो उन सबके लिए कोई मैसेज? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की लड़कियाँ किसी लड़के से कम नहीं है, मेरे हिसाब से तो लड़कियाँ ही लड़कों से काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में संघर्ष कर रही है, पहाड़ की लड़कियाँ हैं, पहाड़ की लड़कियाँ या महिलाएं हैं, आपने खुद बोला आप अभी भी गांव जाती है तो घास लाने से लेकर सारा काम करती है, गाँव की लड़कियों के लिए काफ़ी टैलेंट है आज कल वैसे बढ़ती है, तो यहाँ थोड़ा काम है लेकिन गाँव की लड़कियों में इस चीज़ में बहुत क्रेज, वो भी चाहती है कि हम कुछ करें पर कुछ घर का भी हो जाता है, गाँव में लोग ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम घास कटाएंगे, तो इस चीज़ में बन जाती है, तो शादी भी लगभग गाँव में हमारे यहाँ है अभी कि शादियाँ भी जल्दी जाती है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मैसेज, ऐसी लड़कियां जो है वो इन सब कामों के बीच उलझ के ना रह जाए, अपने सपने पूरे कर सकती हैं, करने भी चाहिए जैसे अनिशा जी कर रही हैं, तो अनिशा जी उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए ये जो हमारी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी सेलिब्रिटी वाली नौनी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड नौनी जो आप लोग क्या बात है, अनिशा रांगण जी ने बोल दिया उत्तराखंड की नौनी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें, फिर से अनिशा जी उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।